किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपका अपने YouTube चैनल हलदर खेती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं उन किस्मों के बारे में जो कि जो किसान की गरीबी मिटा देगी और इतना अच्छा उत्पादन देगी कि वो बम्पर उत्पादन इसका हो सकता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो गेहूँ की उन्नत किस्मों के बारे में, जो हम यहाँ विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो ये बुआई का उपयुक्त समय है, आप इसमें बुआई कर सकते हैं। और गेहूँ की बुआई करने से पहले बीज उपचारित करके जरूर बोएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो गेहूँ की फसल शुरुआती अवस्था में रोग कीट व्याधियों से मुक्त रहेगी, उसकी अच्छी बढ़वार होगी और एक समान उसकी ग्रोथ रहेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो किस्म जिसे आजकल मालव शक्ति के नाम से HI 8498 जो मालव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, और ये काठिया गेहूं की एक किस्म है जो अधिक पैदावार देने के लिए काफ़ी फेमस है। ये सिंचित अवस्था में इसकी जो औसत पैदावार होती है वो लगभग 50 से 60 क्विंटल तक इसकी प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार देखने को मिलती है। ये किस्म 120 दिन में पककर लगभग तैयार हो जाती है, और ये किस्म है वो जो रोली रोधक है और इसका जो दाना होता है वो अंबर रंग का होता है। तो साथियों, ये काठिया किस्म है मालव शक्ति जो HI 8498 नाम से आती है। हम दूसरी किस्म की जो बात करते हैं वो है लोक वन, जिसे हम देरी से बुआई के लिए भी इसको काम में ले सकते हैं। जिनकी खेत बाद में खाली होते हैं तो वो बाद में देरी से बुआई के लिए भी इसको उसकी बुआई कर सकते हैं। साथियों, ये एक बोनी किस्म है जिसकी लंबाई 85 से 90 सेंटीमीटर तक इस पौधे की लंबाई रहती है, और जो ये जल्दी पकने के कारण या फिर जो देरी से बुआई के लिए भी ये किस्म उपयुक्त है, और ये लगभग 100 या 110 दिन में लगभग ये पककर तैयार हो जाती है। और जो इसकी औसत उपज जो हमें मिलती है वो मिलती है 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो लोकवन किस्म है। अब हम जो बात करेंगे अगली किस्म के बारे में वो है राज 40-37। जी साथियों, ये किस्म सिंचित क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इस किस्म की खासियत यह है कि इसमें अधिक कल्ले फूटते हैं, फुटान अधिक होती है। साथ ही ये जो तीनों प्रकार की जो रोली होती है उसमें मध्यम प्रतिरोधन, इसमें रेजिस्टेंस पावर होती है। इसका तना मजबूत होता है और पत्तियों हरे रंग की और मोम रहित रहती है। और साथियों, ये किस्म है जो लगभग 125 से 130 दिन के आसपास इसमें ये पक जाती है, और इसमें जो औसत उपज निकलती है वो लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें निकलती है। तो साथियों, ये किस्म भी अच्छी उपयुक्त है। अब हम जो बात करेंगे वो अगली किस्म जिसका नाम है राज 42-38। जी साथियों, ये किस्म जो चपाती बनाने के लिए, इसके जो दाना है वो चपाती के लिए काफ़ी उपयुक्त है, और सिंचित क्षेत्र से या फिर जो देरी बुआई 20 दिसंबर तक भी इसकी बुआई अपन इसमें कर सकते हैं, इसके लिए भी ये उपयुक्त पाई गई है। जो इस किस्म की जो लंबाई है वो लगभग 98 से 120 सेंटीमीटर ऊंची होती है। इसमें भी कल्ले अधिक फूटते हैं, साथ ही इसका जो दाना होता है मोटे आकार का होता है। इस किस्म का जो अवधि है पकाव की वो लगभग 110 से 115 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। साथ ही जो इसकी औसत उपज है वो 35 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी दाने की जो उपज निकलती है। और इस किस्म की एक खासियत है कि ये किस्म काली, भूरी व पीली जो तीनों रोली है उसके जो प्राकृतिक और कृत्रिम अवस्था में प्रतिरोधी है पाई गई है, यानी कि इसमें जो रोली है उसके प्रति इसमें रेजिस्टेंस पावर होती है। साथियों, मैं एक और किस्म की यहाँ बात करना चाहूँगा, उस किस्म का नाम है राज 40-79। ये किस्म 75 से 80 सेंटीमीटर ऊंची होती है, यानी कि बोनी किस्म है, इसमें भी फुटान होती है। ये गर्म तापक्रम के लिए भी एक किस्म सहनशील, इसमें जो सहनशीलता होती है कि अगर तापमान ज़्यादा है तब भी ये सहनशील रहती है। और सामान्य बुआई और सिंचित क्षेत्र के लिए की किस्म काफ़ी उपयुक्त है। इसकी जो अवधि होती है लगभग वो 115 से 120 दिन में पककर ये किस्म भी तैयार हो जाती है। इसकी जो औसत उपज है वो लगभग 47 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इस किस्म की पैदावार निकलती है। तो साथियों, ये है कुछ जो चुनिंदा वेराइटियाँ जिनको किसान बोकर अपनी गरीबी दूर कर सकता है। ये जो सर्टिफाइड और अच्छी उन्नत किस्म की किस्में हैं, तो अपने नज़दीकी जहाँ से भी आपको
अच्छी उन्नत किस्म जो सर्टिफाइड मिल सके उसको खरीद कर अपने खेत में बुआई करें और अच्छा उत्पादन लें। जय हिंद, जय किसान साथियों।